हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मार्केट किस्म क्रिस्पी आलू चिप्स। ये बहुत ही सिंपल और एकदम झटपट बनने वाली रेसिपी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आज हम क्रिस्पी आलू चिप्स बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने ये एक बाउल में पानी लिया है। ये मैंने दो बड़े साइज के आलू लिए हैं, जिनका हमने छिलका उतार के लिया है। तो इस टाइप के स्लाइसर से हम चिप्स बनाएंगे। और उससे पहले हम एक ये दूसरे बाउल में पानी लेते हैं, जिसमें हमें ये एक टीस्पून फिट करी का पाउडर लिया है। हम फिट करी को मराठी में तुरटी भी बोला जाता है, तो ये हम एक टीस्पून इसमें डाल के रखते हैं। ये मैं साइड में रख देती हूँ। और ये जो आलू हमने छिलका उतार के लिए है, इसके हम चिप्स बना के लेते हैं पहले। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये साइड से इसका मतलब बड़ा चिप्स निकलना चाहिए, इसलिए ये साइड से हम करेंगे उसको। तो ये मैं ऐसा रख के उसके ऊपर, ज़्यादा जाड़ा भी नहीं और ज़्यादा पतला भी नहीं, सब मीडियम में हमें स्लाइस निकालनी है। तो मैं अभी सभी आलू के स्लाइसेस निकाल लेती हूँ। ये देखिए, हमने सभी स्लाइसेस निकाल लिए हैं। अभी हम इसे दो तीन पानी से वॉश करेंगे अच्छे से। हमने इसे दो तीन बार वॉश करके लिया है। अभी जो फिटकरी का पानी हमने बनाया था, उसमें इसको डाल के रखते हैं। 5 मिनट के लिए ही रखना है उसको, तब तक हम पानी गर्म करने के लिए रखेंगे। ये 5 मिनट हमने इसको फिटकरी के पानी में रखा था, अभी वापस से हम इसे अच्छे से वॉश कर लेते हैं। गैस के ऊपर कढ़ाई में हमने पानी गर्म करने के लिए रखा था, अभी वो पानी गर्म हो चुका है। तो ये जो स्लाइसेस है, ये हमें इसमें डालने हैं और 2 ही मिनट हमें इसे पानी में रखना है। घड़ी में लगा के आप इसे 2 ही मिनट रखिए। ये मैं 2 इसमें डालती हूँ, मतलब 2 बार में डालती हूँ। हमें इसे कुछ बॉईल नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 मिनट इसे पानी में, गर्म पानी में रखना है। गैस चालू है यहाँ नीचे, मतलब गैस चालू ही रखना है, वो बंद नहीं करना। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 2 मिनट के लिए इसे पानी में रखा था, अभी हम इसे निकाल लेते हैं। और ये जो बचा दूसरे बैच का है, वो भी इसमें डाल देते हैं। ये भी वापस से हमें 2 मिनट के लिए ही रखना है। घड़ी लगा के आप चेक कीजिए, 2 मिनट। अभी जो स्लाइसेस हमने बाहर निकाले हैं आलू के चिप्स, उसे हम टॉवल पे ऐसे बिछा के रखेंगे। बहुत ही गर्म है ये। इस तरह से हम सब रख देंगे। ये देखिए, हमने इसे अच्छे तरह से टॉवल पे बिछा दिया है। अभी हम इसे ऊपर से दूसरे कपड़े से इसे टैप करेंगे, ताकि इसका जो पानी है वो हमें सोप करके लेना है, ड्राई करना है थोड़ा सा इनको। और साइड में हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अभी थोड़े ड्राई हो चुके हैं। अब हम ऑयल गरम होने देते हैं, फिर इसे फ्राई करते हैं। ऑयल गरम हो चुका है, अभी हम ये वेफर्स इसमें डालेंगे फ्राई होने के लिए। गैस का फ्लेम हमने बढ़ा ही रखा है। एक साइड से पूरी तरह से फ्राई होने देंगे, क्रिस्पी होने देंगे, और फिर हम इसे पलटेंगे।
ये देखो फ्रेंड्स, आपको दिखने में ही समझ में आ रहा है कि हमारे वेफर्स क्रिस्पी बन रहे हैं। ये जो हम फिटकरी में डाल के रखते हैं उसके वजह से वो काला नहीं पड़ता है, वेफर्स का कलर नहीं चेंज होता है। ये देखिए हमारे आलू चिप्स कितने क्रिस्पी है, ये आप इसके साउंड से पता चलता होगा आपको। और दूसरा इसका कलर भी देखो कितना मार्केट जैसा आया है, मतलब बिल्कुल ही काले नहीं पड़े हैं वो। तो ये मैं निकाल लेती हूँ, अभी मैं अगले वाला ये डालती हूँ इसमें। इस तरीके से साउंड जब तक आता है तब तक हमारे वेफर्स फ्राई हो रहे हैं, पर जब वो साउंड बंद हो जाता है तो पूरी तरह से फ्राई हो चुके हैं हमारे वेफर्स, ऐसा समझ लेना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सभी आलू के चिप्स हमने फ्राई कर लिए हैं। ये देखिए इसका साउंड सुनिए वापस से, और ये मैंने पूरे तरीके से फ्राई कर लिए है, अभी सभी निकाल लेती हूँ। इसमें हम नमक डाल के इसको सर्व करेंगे। टेस्ट के लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। आप बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं इसमें, आपको चाहिए तो आप चाट मसाला डालिए, चाहिए तो रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं, काली मिरी पाउडर डाल सकते हैं, पेरी पेरी मसाला डाल सकते हैं, जो आपको पसंद आएगा वो आप डालिए। और इस तरह से वेफर्स बनाइए, ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितने क्रिस्पी बने हैं, ये मैं आपको एक दो तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, तो आपको समझ में आएगा आवाज़ से। फिर मिलते हैं किसी नए और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।